हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे पीसी पॉइंट अंबरनाथ बॉर्न फॉर आईटी में। आज मैं आपको बहुत ही एक अच्छा एक्सटेंशन गूगल क्रोम का जो है, मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसका आपको फ़ायदा होगा और ज़रूर आप उसको यूज़ करिए। इससे पहले अगर हम जब कभी कोई मैसेज सेंड करते हैं गूगल पे या फिर व्हाट्सएप पे, तो हमेशा हमें ये जानने की ज़रूरत, मतलब हमेशा एक जिज्ञासा रहती है कि क्या मेरा मैसेज डिलीवर हुआ, क्या मेरा मैसेज रीड किया गया, सामने वाले ने रीड किया या नहीं किया। सो व्हाट्सएप पे ये काफ़ी आसान हो जाता है कि सिंगल टिक है, डबल टिक है, ब्लू हो गया है, इट मीन्स उसने देख लिया है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे को ईमेल में भी है क्या? क्योंकि बहुत बार हम लोग किसी को मेल करते हैं और सामने वाला बोल देता है कि मैंने तो मेल पढ़ा ही नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं, मेरे पास आया ही नहीं। सो इसके लिए क्रोम का एक काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि हमारा मैसेज, हमारा ईमेल सामने वाले को कब मिला, उसने कब उसको रीड किया करके, राइट? सो चलो ठीक है, इसके लिए मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि गूगल क्रोम में मेल ट्रैक फॉर जीमेल, मतलब गूगल क्रोम का क्रोम वेब स्टोर में जब जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे मेल ट्रैक फॉर जीमेल करके एक ऑप्शन है जिसपे आप क्लिक कर दीजिए, सर्च कर लीजिए। और सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, ये वाला ऑप्शन है, इसको आप सर्च कर करके यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे लोड करना है और ऐड टू क्रोम कर देना है, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। मतलब ऑटोमेटिकली ये आपके क्रोम के ब्राउज़र के साथ में ये अटैच हो जाएगा और इस तरह से वहाँ पे एक एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। अब ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद जो सेकंड स्क्रीन आता है, कनेक्ट विद द जीमेल, सो कनेक्ट विद द गूगल, यहाँ पे हमें वो साइन इन करने को कहेगा। मेरा कौन सा अकाउंट है जिसके थ्रू मुझे यहाँ पे साइन इन करना है, मैं उस पर जाता हूँ और यहाँ पे उसे साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, अभी मैं एक को जस्ट अभी मेरा मेल के साथ ये एक्सटेंशन ऐड हो चुका है। इसके लिए मैं अभी इसको वेरीफाई कर रहा हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे जीमेल अकाउंट में चला गया। और ये देखो, यहाँ पे जब आने के बाद में वो बोलता है कि अगर आपको ये परचेस करना है क्या, तो फिलहाल मुझे कोई परचेस वगैरह नहीं करना है, मुझे यहाँ पे फ्री वाला ट्राई आउट करना है, तो यहाँ पे मैं साइन अप फ्री पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे साइन अप हो चुका है, तो मैं गो टू जीमेल पे जाऊँगा। इस तरह से ये क्या हो चुका है, ये जो एक्सटेंशन है क्रोम एक्सटेंशन, मेरे ईमेल के साथ ये अटैच हो चुका है और यहाँ पे वो मुझे दिखेगा, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, चलो ठीक है, जैसे अभी मैंने किसी को मेल किया तो सामने वाले को मिला नहीं मिला ये सब अभी मुझे पता नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैं एक मेल भेज करके देखता हूँ और सामने वाले ने रीड किया कब किया, इस तरह से वो दो टिक कब आएंगे वो सब अभी हमें देखने से पता चल जाएगा। चलो, मेरा ये एक दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं अपना एक ईमेल सेंड करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अभी मैंने यहाँ पे एक मैसेज सेंड दिया, सेंड कर दिया, ओके। सो ये मैसेज है जिसको मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने उसको सेंड करके क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि ये मेरा मैसेज सेंड हुआ या नहीं, यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा। यहाँ से देखो, मैंने अभी एक मैसेज सेंड किया हुआ है जस्ट टू चेक, ये यहाँ पे देखो एक ग्रीन सिंगल टिक मुझे नज़र आ रहा है, बट अभी ये रियली मेरे इधर से तो निकल गया, बट सामने वाले ने उसे रीड किया या नहीं किया ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे ये भी सिंगल टिक है, इट मीन्स अभी तक उसने क्या किया है, वो मैसेज रीड नहीं किया है, ये मुझे दिख रहा है। सो मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं मेरे दूसरे ईमेल आईडी को ओपन करता हूँ और वहाँ पर लॉगिन करता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि एक बार मैं जब वहाँ पे रीड कर लूँगा वो मैसेज, तो यहाँ पे उसकी स्टेटस कैसे चेंज हो जाती है। मैंने दूसरा ईमेल में जाकर के, मैंने जो अकाउंट है उसमें जाकर के मैं चेक करता हूँ जो मेरे को मेल सेंड किया गया था, वो देखो ये यहाँ पे एक मेल मुझे आ चुका है जस्ट टू चेक करके। मैं यहाँ पे इसको अनेबल कर रहा हूँ, स्पेशली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है फिलहाल, ओके। देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे एक मेल है जो मुझे आया हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसको रीड करूँगा। ये देखो, यहाँ दिखा देता है कि ये सेंडर नोटिफाइड कर चुका है मेल ट्रैक के थ्रू कि यहाँ पे ये आपने रीड कर लिया है करके, राइट? सो यहाँ पे ये मेरे को पता चल गया, मैंने रीड कर भी लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जिधर से मैंने मैसेज भेजा था वो स्पेशली मैं उस पर वापस इसको लॉग आउट करता हूँ और वहाँ पर चेक करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने क्या किया है, मेल तो सेंड कर दिया, बट सामने वाला क्या बोल देता है कि मैंने तो आपका मेल देखा ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं। तो अभी आपको पता चल जाएगा जब आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, तो आपने वो मेल ओपन, मतलब सामने वाले ने वो मेल कब ओपन किया और उसका रीड करने का टाइमिंग क्या था, वो सब भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो, मैंने ये अकाउंट में मैं फिर से लॉगिन हो जाता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो मैंने मेल सेंड किया था वो यहाँ पे है
और यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो मेल था, देखो यहाँ पे अभी आपको दो ग्रीन टिक आ चुके हैं, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखेगा कि 1 मिनट पहले 3:32 PM को ये मेल अभी रीड हो चुका है और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल गया है। सो ये मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा ऑप्शन लगा, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे अगर आप कंटिन्यूसली किसी को मेल करते हो और सामने वाला डायरेक्टली बोल देता है कि मुझे मिला नहीं है, मैंने देखा नहीं है, तो ये इस तरीके से आप अपने मेल्स को ट्रैक कर सकते हो। अगर आप कोई बिजनेस मेल सेंड करते हो या फिर कोई दूसरे वाले भी ट्रांजेक्शनल मेल्स अगर आप सेंड करते हो तो 100% इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।